हाय गाइस, आपको हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि इस वीडियो का PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले भी तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए, तो जिस प्रश्न के बारे में आज पढ़ने वाले हैं तो उस प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है, अब भारत की अपनी होगी डिजिटल करेंसी। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो दुनिया में क्रिप्टो करेंसी लोग कर रहे हैं, वह डिजिटल करेंसी अब भारत की अपनी डिजिटल करेंसी होगी। क्या है डिजिटल मुद्रा, क्या है इसके जोखिम लाभ, सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी से परेशान होकर RBI ने एक निर्णय लिया है और यह निर्णय आप सब तक जल्दी पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा RBI के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित किया गया था। और इस बैठक में पूछा गया कि बताइए, जब दुनिया इस समय केवल क्रिप्टो करेंसी का नोट चला रही है, यानी क्रिप्टो करेंसी केवल यूज कर रही है, तो क्या आप नोट क्यों केवल चला रहे हैं? ऐसा RBI से पूछा गया तो RBI को ऐसा बताया गया कि उस संगठन में जो मीटिंग हो रहा था, उस समूह में बताया गया कि नोट के जगह क्यों नहीं ई नोट चला दिया, क्या प्रॉब्लम है, ई नोट चला दीजिए। ऐसा सब लोग जानते हैं कि रुपया नोटों में होती है, और आप नोट के जगह ई नोट चला दे यानी ई करेंसी जारी कर दे तो क्या दिक्कत है? तो क्या है मुद्दा, इसके बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं आज के चर्चा की मुद्दा यह है कि CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं मेन पॉइंट पर। अपनी डिजिटल मुद्रा के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन और लॉन्चिंग रणनीति पर कौन काम कर रहा है? तो RBI के द्वारा यह किया जा रहा है। दोस्तों, यह है लेटेस्ट न्यूज द हिंदू के द्वारा, जो हाल ही में 31 जुलाई के अनुसार एक अच्छे पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें बताया गया हाल ही में RBI को एक हाई रिकमेंडेड कमेटी गठन किया गया है, और इस कमेटी के द्वारा RBI को कहा गया है कि रुपया की जगह ई रुपया जारी कर दें। तो जान लीजिए दोस्तों, हो सकता है आने वाले भविष्य में रुपया के जगह ई रुपया, ई करेंसी के जगह ई मुद्रा, मुद्रा के जगह ई मुद्रा, ई करेंसी के जगह करेंसी के जगह ई करेंसी जारी हो जाए। अभी तो ऐसे वर्तमान में रुपया का रुपया ही चल रहा है, लेकिन ऐसा RBI के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि डिजिटल करेंसी जल्द ही भारत में लागू कर दिया जाए। पूरे दुनिया में ऐसे क्रिप्टो करेंसी जैसे एलोन मस्क ने कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी आइए, मेरा टेस्ला का गाड़ी इस पर हम आपको दे देंगे, फिर तो भारत वालों ने भी इस पर पूरा आगे बढ़ गया, मतलब क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ा दिया। फिर उसने एलोन मस्क ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी नहीं चलाएंगे, तो लोगों ने कह दिया, क्रिप्टो करेंसी को नीचे गिरा दिया भारत वालों ने। तो ऐसा क्यों ना हो कि ऐसे इन सभी बातों से परेशान होकर RBI तथा भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमन जी हैं, सभी ने मिलकर एक बैठक बुलाई, और इस बैठक में बातचीत हुई कि क्यों ना करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ई करेंसी जारी कर दिया जाए। यह पूरा विदेशी न होकर भारत का अपना स्वदेशी डिजिटल करेंसी हो जाए। ऐसे क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं तो लोग विदेशी यूज कर रहे हैं, लेकिन जब डिजिटल करेंसी यूज हो जाएगा जो RBI के द्वारा होगा, तो अब स्वदेशी होगा, और स्वदेशी होगा तो लाभ भी ज्यादा होगा। मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी यूज करके लोग कमाने में लगे हुए हैं, वैसे डिजिटल करेंसी यूज करके RBI भी कमाने लगेगा और ज्यादा कमा होगा। तो अब RBI ने ऐसा इस बात पर ऐसा कहा है कि
आरबीआई एक्ट 1934 यानी 1934 के तहत केवल बैंक नोट ही आरबीआई हम जारी कर सकते हैं, ऐसा आरबीआई ने कहा। तो सरकार ने कहा कि कानून बनाने वाला तो सरकार होती है, तो सरकार मैं ऐसा कानून बना दूंगा, लेकिन आप जारी तो करिए पहले डिजिटल करेंसी, करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी यानी रुपये की जगह ई रुपया, इलेक्ट्रॉनिक रुपया जारी कीजिए। ऐसा कानून सरकार के द्वारा बना दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इस द हिंदू में बेस्ट एक्सप्लेनर के द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया है, उसी न्यूज के आधार पर हम ऐसा यहां पर न्यूज लाए हैं। अब जानते हैं कैसे पता चला, क्या है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कैसे पता चला यह। तो हाल ही में आरबीआई के नेतृत्व में हाई कमिटी का जो गठन हुआ है, उसने ऐसा करने के लिए कहा कि हम सॉवरेन डिजिटल रुपी या सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लागू कर देते हैं या लॉन्च कर देते हैं, ताकि सुविधा और भी बढ़ जाए। ऐसा लागू करने से क्या होगा, क्यों करें ऐसा, क्या फायदा होगा, इन सभी के बातों के बारे में हम जानेंगे। दुनिया में अधिकतर देश अपना, मतलब जिस जिस देश का अपना अपना सेंट्रल बैंक है, सभी ऐसा सेंट्रल बैंक अपना कन्वेंशनल रुपी को बदल बदल कर अपना डिजिटल करेंसी लाने का प्रयास कर रही है। ऐसा विश्व में सभी देशों के द्वारा लगभग लगभग किया जा रहा है। जैसे कि भारत का रुपया है, चाइना का युआन है, ब्रिटेन का जो है अपना ऐसा पाउंड, जैसे कि उन सभी अपना मुद्रा को, अपना रुपया को हटाकर अपना मुद्रा को डिजिटल मुद्रा लागू करने की कोशिश कर रहा है अपना सभी देश। उसी में ऐसा और तथा न्यूज में रह रहा है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में भारत के लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा कमाई हो रहा है उनको भी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ विदेशी इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो ऐसा सोच रहा है आरबीआई, सोच रहा है कि क्यों आरबीआई तथा भारत सरकार ऐसा सोच रहा है कि क्यों ना हम खुद ऐसा लागू कर दें, ताकि ऐसा कमाई विदेशियों को ना होकर खुद अपने देशों में कमाया जा सके तथा अपने देशों को भी यह लाभ हो सके। तथा क्रिप्टो करेंसी में जब दूसरे देशों को है तो रिस्क भी ज़्यादा है, अपने देश के हो तो अपने रिस्क भी कम हो, ऐसा आरबीआई के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जल्द ही पूरे भारत में अब कैसे लॉन्च किया जाएगा, कैसे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आरबीआई के द्वारा सीबीडीसी जल्द ही लागू कर दे, ऐसा आरबीआई का सोच है। आरबीआई ऐसे तो हम लोग यूज कर ही रहे, जैसे कि कोई भी लोग, जैसे हम लोग पर्स के बजाय, पर्स से पैसा यूज करने के बजाय कोई भी लोग आजकल डिजिटल यूज करने लगा है। आरबीआई के विदाउट परमिशन के भी भारत के लोग केवल डिजिटल पर आधारित हो चुके हैं। कोई भी लोकल, जैसे खुदरा या थोक का काम हो, कोई भी काम अब लोग पर्स से पैसा खर्च करने के बजाय, कैश देने के बजाय सीधे गूगल पे या फोन पे पेटीएम यूज करने लगे हैं। तो ऐसे भी पूरे भारत लगभग लगभग डिजिटल हो चुका है, फिर भी आरबीआई के द्वारा यह परमिशन किसी थर्ड पार्टी ऐप को नहीं दिया गया है, नहीं दिया भी जाता है, नहीं दिया गया है, लेकिन यह भारत सरकार के परमिशन से चलता है। फिर भी ऐसा परमिशन होने से नहीं चलेगा काम, यह भारतीय रिजर्व बैंक का खुद अपना सीबीडीसी होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपना खुद होगा, जिसके वजह से मुद्रा के जगह लोग ई मुद्रा, रुपया के जगह ई रुपया तथा करेंसी के जगह ई करेंसी यूज कर सकते हैं। लगभग लगभग पूरे के पूरे लोग, जैसे 90-95% लोग आजकल खुद कुछ भी मार्केट में जैसे खरीदने जाना हो, वैसे किसी भी कार्यों के लिए लोग पर्स में से पैसा यूज करने के बजाय फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी डिजिटल करेंसी अपना आरबीआई का होगा, तो यह आरबीआई के द्वारा लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। अब जैसे देखिए, आपके पास पैसा होगा, आपके पास 50,000 रुपया होगा, आप गए बैंक में, बोले कि आप 50,000 रुपया निकाल दीजिए, तो बैंक वाला अपना सिस्टम के तौर पर बोलेगा कि आप फॉर्म भरिए, आपको फॉर्म भर के आपको वेरीफाई करके आपको पैसा दे दिया जाएगा 50,000 रुपया, चाहे तो ऐसे 50,000 रुपया दे दिया जाएगा। लेकिन यही भविष्य में ऐसा हो सकता है, आरबीआई के द्वारा जो लॉन्च किया जा रहा है सीबीडीसी, इसके द्वारा ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे ही बैंक में गए कि हमको पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, तो आप 50,000
रुपया मान लीजिए आपको जमा करना है, तो 50,000 रुपया आपको जमा या निकालना है, तो उसमें आपको आपको फॉर्म भरवाएगा, आपको प्रोसेस करने के बाद आपको वो बोलेगा कि आपको कैश न देने के बजाय आपको आपके मोबाइल के वॉलेट में यह पैसा दे दिया जाएगा, यानी डिजिटल मुद्रा के रूप में वॉलेट में आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि वो इसलिए कहेगा क्योंकि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वो कहेगा कि हमारे पास रुपया नहीं है, ई रुपया है, करेंसी नहीं है, ई करेंसी है, जिसके वजह से मैं आपको रुपया नहीं दे सकता हूँ, कैश नहीं दे सकता हूँ, आप अपने वॉलेट में इस पैसे को ले लीजिए तथा आपको जहां मर्जी है आप वहां यूज कीजिए। ऐसे तो लोग सभी यूज ही कर रहे हैं, हमारे अकाउंट से ही डायरेक्ट यूज कर लेते हैं लोग, तो आजकल जो थर्ड पार्टी ऐप है उसके द्वारा, फोनपे पेटीएम जैसे एप्स के द्वारा कर लेते हैं। फिर भी पैसा निकालना या जमा करना हो तो ऐसे मान लीजिए आपको 100 रुपये एटीएम के लाइन में लगे हैं, आपको जब बारी आए तो आप 100 रुपया निकालने गए, जब 100 रुपया निकालने गए तो उसमें अपना पिन डालने के बाद निकाल रहे होते हैं तो आपको 100 रुपये का नोट एक आएगा, बल्कि वहां पर जब एटीएम में लाइन में लगे होंगे तो 100 रुपया मोबाइल पर एक आपका मैसेज आ सकता है, आ जाएगा भविष्य में ऐसा होगा तो कि आपके पास 100 रुपये का ई करेंसी या ई मुद्रा ई नोट आपको जारी कर दिया गया है। आप किसी दुकान पर आप चाहे उसमें से 50 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये यूज कर ले, आपको कैश के बजाय उस दुकान पर या किसी भी पर्सन के पास आप उसे पे कर सकते हैं, यानी उसमें से पैसा सभी जगह यूज किया जा सकता है। तो इन सभी अभी तक आप नहीं समझ गए हो तो फिर से दोबारा हम समझा देते हैं। यदि आपको यदि मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट है, आप बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद यदि आपको बैंक से बैंक द्वारा कहा जाता है आपको 10,000 रुपया जमा करना है, निकालना है, तो आप बैंक में गए, 10,000 रुपया निकाले, लेकिन आपको वह बोलेगा कि आपको पैसा का जो निकालेंगे कैसे आपको केवल यूज करना है, यही तो आप हम आपके डिजिटल करेंसी अकाउंट से जो जुड़े वैलेट है उसमें हम आपको पैसा को डाल देते हैं, आप उसे जितना भी चाहे किसी भी शॉप किसी भी पर्सन को पे कर सकते हैं, उसे हम यानी उस पैसे को 10,000 को उसमें डाल देते हैं, यह बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसका बहुत सारे लाभ, बहुत ऐसे तो घाटा कम ही दिख रहा है लेकिन लाभ बहुत ज्यादा है, लाभ यह बहुत सारा है, आपको हम आगे बताएंगे। चलिए आगे बताते हैं, डिजिटल पेमेंट गेन करेंसी यानी CBDC लीगल टेंडर इशूड बाय सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म, लीगल टेंडर के रूप में इशूड किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा, जैसे सेंट्रल बैंक किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक RBI है, उस RBI के द्वारा ऐसा लॉन्च किया जा रहा है, ऐसा कई देशों में किया जा रहा है, लगभग पूरे दुनिया के 86% देशों में, लगभग 86% देशों में डिजिटल करेंसी लागू किया जा रहा है, जिसमें इस पर रिसर्च CBDC पर रिसर्च कर रहा है, CBDC यानी सेंट्रल बैंक जो लॉन्च किया है करेंसी, डिजिटल करेंसी, इसको लगभग 86% विश्व के 86% देशों में लगभग रिसर्च किया जा रहा है CBDC पर, तथा इनमें से और जो 86 के अलावा 14% बचे, 14% आया इन पायलट टेस्टिंग फेज, अपने पायलट टेस्टिंग फेज में, यानी इन्होंने तो अपना डिजिटल करेंसी लागू भी कर लिया है, यानी लगभग मान लेते हैं 206 देश लगभग है पूरे दुनिया में, उन 206 यानी मान लीजिए इनमें से 14% यानी 14 दुनिया 28 लगभग 30 देशों ने ऐसा कर भी चुका है अपने देशों में, यानी CBDC पर रिसर्च करके अपने देश में लागू भी कर दिया है ई करेंसी यानी ई मुद्रा, यानी अपने देश का मुद्रा न जारी करके ई मुद्रा ई करेंसी ई नोट जारी भी कर दिया है। अब इन सभी को बातों को लेकर क्या क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, क्या बचत होगा, क्या इस पर इलिमिनेट होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा फॉर्मेट रहेगा, टेक्नोलॉजी क्या रहेगा, स्कोप क्या रहेगा, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो CBDC का एडवांटेज, सबसे मेन एडवांटेज यह रहेगा कि इससे रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन कैश, लोगों की कैश पर निर्भरता कम हो जाएगी, लोग कैश पर निर्भर ही न कर पाएंगे, क्योंकि जब आपको कैश दिया ही नहीं जाएगा बैंक वाले ने तो हाथ खड़े कर देंगे कि हमारे पास कैश नहीं है, आप ई कैश ले लीजिए, ई मुद्रा ले लीजिए, तो आप यदि बैंक में जाएंगे तो वही यूज कर सकते हैं, या किसी के पास भी जाएंगे तो वही यूज कर सकते हैं, किसी भी शॉप या किसी पर्सन को भी वही देना है, मतलब जैसे हम रुपया को दे रहे हैं नोट के रूप में, ई नोट के रूप में देना है, बस केवल यही अंतर है कि आप नोट के रूप में दे रहे हैं तो आपको ई नोट यानी इलेक्ट्रॉनिक नोट के रूप में देना है।
तो इसकी वजह से आपको डिपेंडेंस ऑन कैश यानी कैश पर निर्भरता कम हो जाएगी, आप डिजिटल करेंसी पर निर्भर ज्यादा हो जाएंगे। अब दूसरा एडवांटेज यह है कि सेविंग ऑन कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग करेंसी, यानी करेंसी को प्रिंट करने का खर्चा पर बचत होगी। यानी भारत में पूरा इतना, मतलब भारत आरबीआई लॉन्च कर रहा है, तो हम लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत में आरबीआई द्वारा इतना नोट जो प्रिंट किया जा रहा है, नोट कभी गंदा हो जाता है उसको, तो उसको रिप्रिंट किया जाता है, फट जाता है तो उसको नंबर से फिर से रिप्रिंट किया जाता है, मतलब किसी कारणों से भींग जाता है तो फट जाता है, उसके वजह से फिर नंबर से रिप्रिंट करता है, भूल जाता है, उसके वजह से कभी रिप्रिंट किया जाता है तथा प्रिंट किया जाता है नए नोटों को, तो उन पर प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगी, पेपर कॉस्ट बचेगी तथा बहुत सारे कॉस्ट बचेगी। तथा अब बैंकों की बात है, अब बैंकों की बात होगी तो बैंकों में कर्मचारियों की संख्या में कमी रहने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, बैंकों में भीड़ों की संख्या कम हो जाएगी, बैंक में भीड़ नहीं होगी, बैंक में जो इतना भीड़ की वजह से शोरगुल होता है, बैंक में जो परेशान बैंक कर्मचारी रहते हैं वो नहीं कर परेशान हो पाएंगे, बैंक में उतना काउंटर्स की जरूरत नहीं होगी जितने अभी अवेलेबल्स होते हैं। यानी सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसा आरबीआई तथा निर्मला सीतारमण के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया गया है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, तथा सेटलमेंट मैकेनिज्म, जैसे कि कई तरह के चेक इशू प्रॉब्लम तथा कई कि किसी तरह के बैंक में प्रॉब्लम होता था, उसके सेटलमेंट मैकेनिज्म को संभालने के लिए बैंक में कितने लंबे लाइनों में खड़ी होनी पड़ती थी। हो सकता है ऐसा भविष्य में यदि जारी हो जाए तो सेटलमेंट मैकेनिज्म में भी हेल्प मिलेगा। इलिमिनेशन ऑफ टाइम जोन डिफरेंस इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, डेट मीन्स आपके टाइम जोन, जैसे कि आपको, तो चलिए आपको अति बैंक में ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि भविष्य में लागू या हो गया तो इतना ही इतना फायदा है। जैसे कि इलिमिनेशन ऑफ टाइम जोन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इलिमिनेशन ऑफ टाइम जोन डिफरेंस इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन जैसे कि हमारे भारत देश तथा अन्य देशों में जब ट्रांजेक्शन्स होती थी तो ऐसा होता था कि हमारे यहाँ जब रात होती थी तो बैंक बंद रहता था, वहीं बैंक वहाँ पर जब दिन होती थी तो वहाँ पर बैंक चालू रहता था। तो दूसरे देशों में, अपने देशों के में घर में जिसके पास कोई पर्सन विदेश में रह रहे हैं तो उसको पैसा भेजना होता था तो बहुत ही दिक्कत होती थी, लेकिन टाइम जोन डिफरेंस में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उन लोगों को रात में या सुबह में टाइम देखकर उनसे पैसा भेजना पड़ता था, लेकिन अब फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो ऐसे भी डिजिटल यूज होने लगा है तब से फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में धीरे धीरे कमी हो गई है, लेकिन फिर भी टाइम जोन डिफरेंस में भी दिक्कत अब नहीं होगी ड्यू टू दिस डिजिटल करेंसी। अब चलते हैं आरबीआई एग्जामिंग जान लेते हैं, मैंने क्या है इसका स्कोप, क्या है इसका टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जान लेते हैं। वेदर रिटेल और होलसेल, इसका स्कोप क्या, मतलब क्या है इसका विस्तार होगा, वेदर रिटेल को केवल दिया जाएगा कि पूरे होलसेल को दिया जाएगा, इसी को लेकर बातचीत चल रही है, इसी के लिए टाइम लग रहा है। यदि सब चीज सही हुआ, कैसे विस्तार किया जाएगा, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, लेजर या सेंट्रलाइज्ड लेजर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर वैलिडेशन बेस कैसे किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट क्या रहेगा, मतलब किसे दिया जाएगा, सेंट्रल बैंक के द्वारा जब इशू किया जाएगा तो किसे दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा या सभी को दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसी को लेकर कुछ टाइम लग रहा है सीबीडीसी को लॉन्च करने में। लॉन्च करने के लिए ऐसे भी थोड़ा प्रोसेस करना ही पड़ेगा तथा और इनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क जैसे अमेंडमेंट्स सेकल कंटेनिंग एक्ट, फेमा आईटी एक्ट को अमेंड करने में, संशोधन करने में टाइम लगेगा तथा इन सभी को ध्यान में रखते हुए कैसे क्या चलेगा उन्हीं को लेकर टाइम लग रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों यह बात जान लिए कि 86% देशों में रिसर्च किया जा रहा है सीबीडीसी पर तथा 14% अपना पायलट टेस्टिंग फेज में लगे हुए हैं, यानी उन देशों में रिसर्च पूरी तरह सक्सेस हो गया तथा बाद में उसे उन देशों में टेस्ट किया जा रहा है, यानी लागू कर आगे बढ़ा दिया गया प्रोसेस को। कैसे टेक्नोलॉजी काम करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट रहेगा, कैसे वैलिडेट होगा, सभी के बारे में यह आंकड़ा कलेक्ट किया जा रहा है। अब
इतना बात हम लोग जान लिए हैं क्या एडवांटेज है इसका, आरबीआई का, आरबीआई के द्वारा जो लॉन्च किया जा रहा है सीबीडीसी, इसका क्या एडवांटेज है, क्या एग्जामिन होगा, क्या स्कोप रहेगा इसका। तो ऐसे दोस्तों स्कोप तो इसका बहुत ही बढ़ने वाला है, यदि रिटेल और होलसेल के लिए बढ़ा दिया जाए पूरी तरह से तो यह बहुत ही स्कोप बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को इतनी आसानी हो जाएगी क्योंकि वह अपने सभी तरह की बचत होगी। जैसे कि यदि हमें कैश लेकर जाना है तो बहुत दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, ई करेंसी रहेगी तो कोई बात नहीं, वो अपने बैंक के रूप में ई करेंसी, ई नोट जारी हो गया, फिर भी चोरी का डर कम हो जाएगा। इसी तरह जैसे देखिए आप बांग्लादेश में कुछ ही टाइम पहले ऐसा हुआ है कि टाइम जोन डिफरेंस इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन की वजह से वहाँ बहुत बड़ी विश्व की बहुत बड़ी चोरी होने वाली थी, लेकिन टाइम जोन फॉरेक्स के चलते डिजिटल पेमेंट की वजह से यह बच गई है, वरना बहुत बड़ी विश्व की बहुत बड़ी बैंकिंग चोरी होने वाली थी यहाँ पर, फिर भी ऐसा बच गया है, कोई बात नहीं। अब इतना बात जान लिए हम लोग, अब और बात जानते हैं इसके बारे में। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एन इलेक्ट्रॉनिक करेंसी एंड लेडजर टेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होगी और यह लेडजर एक दूसरे से मोबाइल में केवल ट्रांसफर हो जाएगी, किसी भी बैंक में आपको नोट न देकर इलेक्ट्रॉनिक नोट दिया जाएगा। यह अपीयर होगा आपके आरबीआई के बैलेंस शीट पर अपीयर होगा, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रेडिशनल करेंसी, या ट्रेडिशनल करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन सभी बातों को हम लोग जान लिए हैं, अब और बातों को जानते हैं। व्हाट इज सीबीडीसी, कैश के बारे में जानते हैं। यूनिवर्सली एक्सेसिबल इशूड बाय सेंट्रल बैंक बट नॉट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल, यूनिवर्सली यानी सत्य प्रमाणिक एक्सेस है यह, मतलब कैश के रूप में एक्सेस है, जबकि सेंट्रल बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यह डिजिटल कैश जो होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है, लेकिन यह कैश होता है न कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल होता है। लेकिन ई रूपी, ई करेंसी, ये सब जारी हो जाने के बाद या कैश न हो जाने के बाद यह सेंट्रल बैंक के द्वारा ही जारी किया जाएगा, बट यह नो कैश न होकर के इलेक्ट्रॉनिक कैश में बदल जाएगा। बैंक अकाउंट मनी यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बट नॉट इशूड बाय सेंट्रल बैंक, रिजर्व इशूड बाय सेंट्रल बैंक, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बट नॉट यूनिवर्सली एक्सेसिबल। इन तीनों के बातों के पॉइंट के बारे में हम लोग जान लिए हैं सीबीडीसी के बारे में। क्या है सीबीडीसी, तो इसके बारे में तो हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, एक लीगल करेंसी है और डिजिटल तरीके से सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी है, एक जो सॉवरेन करेंसी के रूप में उपलब्ध है। सीबीडीसी बैंक की बैलेंस शीट में भी दर्ज है। सीबीडीसी करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसे कैश से तब्दील किया जा सकता है। क्या होंगे इसके फायदे, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, ऐसे तो पढ़ लिए और इसके बारे में जानते हैं। आरबीआई के अनुसार अगर डिजिटल करेंसी चलन में आती है तो मनी ट्रांजेक्शन और लेन देन के तरीके बदल सकते हैं, इससे मनी पर अंकुश लगेगा। समिति का कहना है कि डिजिटल करेंसी से मॉनिटरी पॉलिसी का पालन आसान होगा, इसमें डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, डीएलटी से विदेश में लेन देन का पता लगाना आसान होगा। क्या होगा इसका असर, क्या मतलब इसका इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर डिजिटल करेंसी चलन में आ जाती है तो ट्रांजैक्शन और उसके तरीके पूरी तरह से बदल जाएंगे, यानी इधर से उधर कहा जाता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी पूरी तरह से बदल जाएगी, वाइस वर्सा हो जाएगी, यानी ई करेंसी से करेंसी, करेंसी से ई करेंसी हो जाएगी। नोटों और सिक्कों की जगह डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होने लगेगा जो भारत में बिल्कुल नया चलन होगा। लेन देन के तरीकों में बदलाव होगा और इससे काले धन पर बहुत ही रोक लगेगी। सबसे इसका मेन जड़ है काला धन, काला धन पर इससे बहुत ज़्यादा रोक लगेगी, क्योंकि जब रुपया चलेगा नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी प्रॉब्लम होगी लोगों को, तो मनी लॉन्ड्रिंग से भी बच जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग तो काला धन का ही एक आइडिया है, तो काला धन भी उस पर भी रोक लग जाएगी। चलिए अब और बात जान लेते हैं थोड़ा वैसी जो छूटा उठा है। डिजिटल करेंसी अब हम लोग किसके यूज करेंगे, तो आरबीआई का डिजिटल करेंसी यूज करेंगे। ऐसे डिजिटल मोड यूज करते थे हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब ऐसे ई करेंसी, ऐसा ई करेंसी हो जाएगा तो कहीं पर आपको डिजिटल मोड से पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब जान लेते हैं यह बात, इंटरनल बात हुई तो बैठक में, तो यह बाहर कैसे बात आ गई।
तो टी रविशंकर जी जिन्होंने हाल ही में नए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में शपथ इनको दिला गया है, तो इनके द्वारा ही यह बात बाहर आई है कि यह ऐसा किया जा रहा है। सीबीडीसी इन्हीं के द्वारा न्यूज दिया गया है बाहर में, ऐसे यह बैठक इंटरनल हुई थी तो यह हाई लेवल कमेटी के द्वारा अभी बात इंटरनल ही रखी गई थी, लेकिन नए डिप्टी गवर्नर जो आए हैं टी रविशंकर जी, इनके द्वारा यह बात बाहर में चर्चित हुई है। अब बात हुई आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, यानी भारत का सेंट्रल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय यानी सिस्टम है। यह भारतीय रुपये के मुद्दे और आपूर्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। यह देश की मुख्य भुगतान प्रणालियों का भी प्रबंधन करता है और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो इतना बात आरबीआई जारी कर रहा है ऐसा, तो आरबीआई के बारे में भी हम लोग जान लिए हैं। तथा और बात आरबीआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं, आरबीआई का मुख्यालय अभी कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र भारत में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यानी ब्रिटिश राज में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। तो यह बैंक आरबीआई भारत के सभी बैंकों को संचालन करती थी। यह बैंक आज से 86 वर्ष पहले स्थापित की गई थी। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार यानी फाइनेंस मिनिस्टर के स्वामित्व में आता है तथा इसका अभी वर्तमान में 25वें तथा लेटेस्ट गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी स्थापित हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। चलिए तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा अपने से रिलेटेड स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाभ करवा सके। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं सुबह के करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ पाने के लिए, तथा शाम को 6 बजे 20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाभ करवा सके। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।